नाजरीन आदाब, मैं शबी हैदर और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि सच्ची और अच्छी खबर सबसे पहले देख सकें। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के 60 साल पूरे। रतलाम मंडल की जानिब से शानदार समारोह का आयोजन। डीआरएम समेत कई अधिकारियों ने समारोह में शिरकत की। रतलाम में होने वाले इस समारोह पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की खिदमत के 60 साल पूरे होने पर रतलाम में एक शानदार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें रेलवे के सीनियर अफसरान और एसोसिएशन के ओहदेदारान ने शिरकत की। ऑल इंडिया एससी एसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना माननीय स्वर्गीय श्री बी आर घेरा जी द्वारा 19/9/1959 को की गई थी, इसलिए इसे 60वां स्थापना दिवस डायमंड जुबली के रूप में संपूर्ण भारतीय रेलवे पर एसोसिएशन द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के आह्वान पर मनाया गया। रतलाम मंडल पर इस 60वें स्थापना दिवस को डायमंड जुबली के रूप में मंडल रेल प्रबंधक आदरणीय श्री आर एन सुनकर जी के मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री रवि रंजन वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक, श्री कमल सिंह चौधरी वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर, श्री विपुल सिंघल वरिष्ठ मंडल परिचालक प्रबंधक, श्री गोपी कुमार वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी वगैरह उपस्थित रहे। इस अवसर पर एसोसिएशन कार्यालय में झंडारोहण किया गया और एसोसिएशन के संस्थापक श्री बी आर घेरा व बाबा साहब के चित्र पर मुख्य अतिथि व विशेष अतिथियों द्वारा माल्यार्पण किया गया। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। हमारे सम्माननीय श्री डीआरएम साहब द्वारा गहरा साहब बाबा साहब तिरपन मारण पर किया जा रहा है, सभी को इस मौके पर बहुत बहुत बधाई। एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष श्री आर सी वर्मा द्वारा श्री बी आर घेरा जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया एवं एसोसिएशन की स्थापना से अभी तक की उपलब्धियों व सुविधाओं पर प्रकाश डाला। माननीय मंडल रेल प्रबंधक आर एन सुनकर साहब, जो भी अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त मंडल रेल प्रबंधक है पूरे इंडियन रेलवे में, आज हमें गौरवशाली महसूस हो रहा है। यहाँ जो हमारे मुख्य अतिथि है विशेष अतिथि के रूप में हमारे सीनियर डीएम साहब सम्माननीय सिंगल साहब, सीनियर डीएफएम साहब श्री रवि रंजन कुमार साहब और सम्माननीय कमल सिंह चौधरी साहब सीनियर डीएम साहब और पर्सनल के डिपार्टमेंट और माननीय डीआरएम साहब के मार्गदर्शन में इफिशियंसी शील्ड लेने वाले माननीय सीनियर डीपीओ श्री गोपी कुमार साहब, उपस्थित एसोसिएशन के डिवीजन ब्रांच सभी पदाधिकारीगण और सम्माननीय साथियों,
ऑल इंडिया SC ST रेल एम्प्लॉयज एसोसिएशन, आज का ये उत्सव ब्रांच लेवल, डिवीजन लेवल, जोन लेवल और रेलवे बोर्ड लेवल पर इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है और डायमंड जुबली के नाम से इसको मना रहे हैं। केंद्र के अंदर हमारे कई केंद्रीय मंत्री सम्माननीय इसके अंदर मुख्य अतिथि हैं। इसी प्रकार से हमारे को आदेश मिला कि हर डिवीजन हर ब्रांच में, रतलाम डिवीजन के अंदर 15 ब्रांचें हैं, 6 ब्रांच हमारी आउट ऑफ रतलाम आयोग को अपना आवेदन दे सकता है। तो इस प्रकार से जब रेलवे की उस तरह की जो थी, माननीय गेरा साहब ने 1959 के अंदर इस रेलवे को के अंदर इस एसोसिएशन को दर्ज करवाया, उसके बाद से लेकर के आज तक जिस टाइम की विषम परिस्थितियों में एक मेंबरशिप मात्र 5 रुपए हमारे रेल कर्मचारी SC ST वर्ग का उस जमाने में दिया करता था और वो भी चोरी छुपे, डर लगता था लोगों को। और आज भी कहीं आदमियों को हमारे को मेंबरशिप देने में डर लगता है, वो ये कहता है कि साहब जरा मैं आपको घर से दे दूंगा या चुपके से दे दूंगा, मेरा नाम मत लेना। आज भी कहीं ये स्थिति है तो उस जमाने में क्या स्थिति रही होगी। माननीय गेरा साहब ने जब इतना संघर्ष किया, 7 कर्मचारी थे, इन्होंने SC ST एसोसिएशन का गठन किया, रजिस्टर कराया, उसके बाद आज की तारीख में जब हम देखें और उस स्थिति को देखें, जब हमारे लिए कहीं एसोसिएशन का ऑफिस नहीं था, हमारे लिए कहीं कोई फैसिलिटी नहीं थी, उस दौर से लेकर के आज तक हमारे को इतनी फैसिलिटीज रेल प्रशासन ने दी है और आज की तारीख में रेल प्रशासन के साथ हमारे कर्मचारी बड़ा ईमानदारी से काम कर रहे हैं। रेल प्रशासन भी हमारे SC ST वर्ग को बहुत अच्छी तरह रेस्पॉन्स करता है। बीच में जब गेरा साहब के जमाने में एक कहीं जब अधिकारियों से मिलने जाते थे तो वो उनको बराबर रेस्पॉन्स नहीं दिया करते थे। माननीय भूटा सिंह जी के सामने जब इस इश्यू को लाया गया, उन्होंने रेलवे बोर्ड से एक चिट्ठी जारी करवाई कि SC ST एसोसिएशन के कोई भी पदाधिकारी यदि किसी अधिकारी के साथ मिलने के लिए जाएं, उसको बड़ा रेस्पॉन्स दें और बड़े अच्छे ढंग के साथ वातावरण में उसके साथ बात करें। उन चीजों से आज की तारीख में उस स्थिति को जब हम देखें और आज की देखें तो हम बराबर ट्रेड यूनियन के बराबर हैं और इतनी फैसिलिटी एसोसिएशन में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मान्य BL बेहरा साहब और अशोक कुमार जी राष्ट्रीय महामंत्री के नेतृत्व में स्टाफ बेनिफिट कमेटी के अंदर हमारे भागीदारी मिली, PRM के तहत भागीदारी मिली, रेलवे क्वार्टर्स के अंदर हमारी भागीदारी मिली, कॉलोनी इंस्पेक्शन ग्रुप के अंदर हमारी भागीदारी मिली, कहीं इस तरह की जो फैसिलिटीज कमिटीज कम्युनिटी हॉल उसके अंदर आज की तारीख में हमारी भागीदारी है। और मैं सब रेल कर्मचारियों से और खासतौर से यहाँ जो SC ST के जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से हम सामाजिक दायित्व डॉक्टर बाबा साहब को आदर्श मानकर के जब हम कर रहे हैं, तो मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम रतलाम डिवीजन में हमारे एक बहुत ही जबरदस्त माननीय DRM साहब हैं, उनको आदर्श मानकर के रतलाम डिवीजन में हम खेल कर क्षेत्र में बाबा साहब को आदर्श मान करके काम करें, उसी प्रकार से यदि हम माननीय DRM साहब को आदर्श मान करके यदि हम हर रेल कर्मचारी काम करेगा तो वो रेलवे हमारी बहुत ही जबरदस्त प्रोग्रेस करेगी। आज की तारीख में हम हमारी बात करें लेकिन हमें रेल प्रशासन की भी सोचना है। हमारे माननीय मंडल रेल प्रबंधक से साल में जो महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और अच्छी एक्टिविटीज जो करते हैं उसमें भी माननीय DRM साहब को सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से आज जब हमारे बीच में इस तरह के जो प्रशासन है और उनकी वजह से SC ST का रेल कर्मचारी नहीं, आज उनके दरबार में कोई भी रेल कर्मचारी पहुंच जाए वो खाली हाथ नहीं लौटता है। और मैं तो ये कहता हूं अगर इस तरह की भावना हर कर्मचारी में, हर सुपरवाइजर में आ जाए तो शायद एसोसिएशन और ट्रेड यूनियन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना जबरदस्त हमारे माननीय DRM साहब काम कर रहे हैं, मैं एसोसिएशन की ओर से उनको और बधाई देता हूं कि आप दिन दुगनी रात चुगनी करते रहें और इस तरह से हमें मार्गदर्शन मिलता रहे। आज उनके जो पुराने जमाने में कहा करते थे
कि बीरबल के, अकबर के इतने अच्छे संबंध थे या नौ रत्न थे। आज हमारे रतलाम डिवीजन में ये देखने को मिल रहा है कि सारे अधिकारी रत्न हैं और ये ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है। सारे अधिकारियों में ये ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है कि कौन सा रत्न नंबर वन है या नंबर टू है। इतनी डीआरएम साहब की जो टीम है उनकी भावना से जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हमें इनसे प्रेरणा लेना चाहिए। मैं इस मौके पर ज्यादा समय न लेकर के सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और अब एसोसिएशन की ओर से जो आज के हमारे इस समारोह में माननीय डीआरएम साहब और अन्य अधिकारी जो पधारे हैं उनका एक छोटा सा स्वागत रखा है। और डीआरएम साहब को तो ये क्वालिटी है कि किसी भी अवार्ड में चाहे डीआरएम साहब को अगर नाम आ जाए तो वो अवार्ड माननीय डीआरएम साहब के अलावा कोई दूसरा ले नहीं सकता है। ये चैलेंज है पूरे इंडिया लेवल में हमारा रतलाम डिवीजन का। मैं ऐसी बात नहीं, मैं जब डीआरएम साहब को जब रेलवे बोर्ड के अंदर जब अवार्ड मिला आपकी जो स्पीच थी और अभी जो ये मिला हमारा ऑल इंडिया का जो ग्रुप है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारे ऑल इंडिया के ग्रुप में जब मैंने डाला तो हमारे कहीं डिवीजन के अधिकारी और कहीं डिवीजन के हमारे जो पदाधिकारी और राष्ट्र के अध्यक्ष राष्ट्र महामंत्री जी बोलते हैं कि यार आपके डीआरएम साहब को हमारे यहाँ भेज दो कि हमारे यहाँ सब बिल्कुल जोरदार काम होगा। हमने कहा कि उनको पहले जीएम बना दो, जीएम बना करके रेलवे बोर्ड बना दो, ताकि चेयरमैन साहब बना दो डीसीआरबी, तो पूरे इंडियन रेलवे का भला हो जाएगा। मैं ऐसी इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि डीआरएम आरएन सोनकर ने भी अपना खुतबा पेश किया और यहां की खिदमात का जिक्र किया। कर्मों के लिए, कार्य करने के लिए उनको हमेशा एक बहुत बड़ी एक उत्साह मिलेगा, तो ये हमेशा रहना चाहिए। आपके अधीन भी कई लोग काम करते हैं, आपके साथ ही आपके साथ काम करते हैं। मैं आप लोगों से अपेक्षा करूंगा कि आप अपने लोगों को ये उदाहरण के तौर पर बताएं। मैं आपको एक ही उदाहरण देता हूँ, ये मीना जी बैठे हुए हैं, एक दिन मैं आपको उदाहरण सफाई कर रहे थे। हम लोग कई लोग कहते हैं ये क्या ये काम, हमें सफाई करने के लिए हम कर रहे हैं, ग्यारह का बने सफाई करने के लिए, हम SSCM सफाई करने के लिए बने हैं, इसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं, कोई भी काम छोटा नहीं, आप उसको चुनौती के समय दे दीजिए। मैंने आपको बता रहा हूँ, इनको मैंने विशेष कर बुलाकर पुरस्कृत किया था और सारे लोगों के सामने बोलता हूँ, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ 50 जगह और बोलता हूँ कि ही इज द पर्सन। इनको ये भी चिंता नहीं थी, पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, पूरे इसमें दिन भर ये लगे रहे और इतनी सफाई करी कि जितने लोग वहाँ आए सब बदल रहे थे, बट ये वहाँ पर खड़े रहे पूरे टाइम अपना काम करते रहे। तो ये एक लगन होनी चाहिए, इससे मैसेज बहुत अच्छा जाता है, लोगों में एक इस तरह की भावना जागृत होती है, तो ये बहुत जरूरी है। और उस दिन इतना अच्छा, इतना गंदा प्लेटफॉर्म था, आज हमारा प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जीएम साहब हमारे यहाँ पर आए थे, अभी वो यहाँ से जाने के बाद में बॉम्बे किसी सभा में बात कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, सामने तो तारीफ करने वाले लोग मिलेंगे, आपको बोलना ही होगा, नहीं बोलोगे तो फिर आपके पास कोई आएगा नहीं दोबारा। इसी तरह से वर्मा जी बोल रहे थे, मैं इससे ज़्यादा काफ़ी खुश नहीं होता हूँ कि बोलने के लिए तो आपको सुनाना ही पड़ेगा, अच्छी बात कह नहीं होगी। जरूरत इस बात की है कि आपके अस्तित्व के हुए जो शब्द होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। अभी जनरल मैनेजर साहब यहाँ से जाने के बाद में बोरीवली में किसी सभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर मंडल में जो लोगों ने काम किया है, चाहे हम अपनी किसी परफॉर्मेंस को ले लें, चाहे हम यहाँ पर डेवलपमेंट काम को ले लें, चाहे स्टेशन के रखरखाव को ले लें, उन्होंने इस बगीचे को देख करके या जो हम लोगों ने MPs की मीटिंग ऑर्गेनाइज करी थी, कितने तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया, उसको देख करके उन्होंने मतलब अपने आप को रोक नहीं सके। उन्होंने ये वहाँ कहा है कि रतलाम मिंडल में मैं ढूंढ रहा था कि कहीं कोई कारण मुझे मिल जाए कि मैं इनको कुछ कह सकूँ, लेकिन मुझे पूरे दिन भर कारण नहीं मिले, केवल अच्छाई थी। और एज ए रिजल्ट आपका उन्होंने करीब करीब 1,00,000 रुपए के पुरस्कार की घोषणा की और उसमें से 25,000 रुपया जो उन्होंने इनाम दिया, ऐसा इनाम कभी नहीं मिला कि MPs की मीटिंग करने के लिए बहुत एफिशिएंट तरीके से करा गया है। इस कार्यक्रम का संचालन एसोसिएशन के मंडल मंत्री PN वर्मा द्वारा किया गया। श्री रवि रंजन जी, सीनियर डीएम
श्री शंकर साहब, सीनियर डीपीओ साहब, सीनियर डीएमई साहब और आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षा लोग करेंगे हमारे मंडल अध्यक्ष श्री आरसी वर्मा जी। मैं बिहार गेरा जी के उसके जीवन में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं, क्योंकि जो बिहार गेरा जी जिन्होंने ऑल इंडिया एसीएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना करी, वो पहले सेना में थे और सेना में से उन्होंने रेलवे के अंदर अकाउंट डिपार्टमेंट में पदार्पण किया और वो यातायात लेखा के अंदर उनकी पोस्टिंग हुई। वो जो हमारे गृह मंत्री भूटा सिंह जी थे पूर्व, उनके अच्छे खास दोस्त थे, तो उन्होंने ये देखा कि इस रेलवे के अंदर एसटी के जो कर्मचारी है उनके जो भी नियम और कानून बनाए जाते हैं उनकी बराबर पालना नहीं की जाती, और जो दूसरी ट्रेड यूनियन है वो उन पर बराबर ध्यान नहीं दी जाती। इसी कारण उन्होंने एक ऑल इंडिया एसीएसटी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नाम से इस संस्था को खड़ा किया, और इस संस्था को खड़ा करने के बाद 1959 से आज 60 साल हो गए और धीरे धीरे ये संस्था आज प्रगति पर है और ये संस्था ऑल इंडिया एसीएसटी के रूप में सभी कर्मचारियों का जो भी एसीएसटी के हैं या एसीएसटी के भी नहीं है उनका भी वेलफेयर करती है। क्योंकि तो इनका जन्म 1 अगस्त 1923 को हुआ था गेरा साहब का, और इन्होंने बहुत इस एसोसिएशन के लिए अपना काम किया, और यही कारण है कि आज ये स्थापना दिवस पूरे इंडियन रेलवे में बोर्ड लेवल पर, जीएम लेवल पर, डिवीजन लेवल पर वर्कशॉप और पूरी जितने भी ब्रांचे हैं उन पर आज ये कार्यक्रम डायमंड जुबली के नाम से मनाया जा रहा है। मैं इस मौके पर सबसे पहले मंडल अध्यक्ष श्री आरसी वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वह स्वागत भाषण के लिए अपने वक्त में दे। इस अवसर पर एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष आरसी वर्मा, मंडल मंत्री पीएल वर्मा, मोहनलाल मीणा, आर के माहौर, राम प्रकाश शाक, रामावतार वर्मा, मनीष कॉम्बले, मनोज चावरे, कमल बड़गोत्या, एमएल जवेरिया, हरिमोहन वर्मा, गगन छपरी, भारत सिंह सोलंकी, आरएल परमार, प्रकाश बुनकर, एमबी मीणा, भागराम मीणा सहित कई पदाधिकारी एवं सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर तमाम मौजूद मेहमानों ने जलसे से खिताब भी किया। जो व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा होकर भारत रत्न बन गए और आज भी लोग जिनकी पूजा करते हैं, तो ये है, ऐसा नहीं है कि केवल नाम से या कुछ उन्होंने किसी को बताया होगा कि मुझे आप भारत रत्न दे देना या मुझे ये चीज़ में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको हर क्षण हर समय प्रूव किया, स्ट्रगल किया और अपने कर्मों के प्रति पूर्ण रूप से सजग रहे, आज इसीलिए वो पहुंचे हैं। तो हमें वास्तव में देखा जाए अगर हम डायमंड जुबली का सही मामले में आंकलन करें और देखें तो गेरा साहब की भी बहुत ही बड़ी पोजिशन है। तो आप ये निकालेंगे निष्कर्ष कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने कार्य के प्रति समर्पण भाव। अगर मैं कार्य अपना अच्छा करता हूँ तो सारी चीजें आपके फेवर है, सारे लोग आपके चहेते रहेंगे, आपके आपको सारे लोग हेल्प करेंगे। और जहाँ तक मंडल की परफॉर्मेंस की बात है, यहाँ पर कुल मिलाकर के 14,300 लोग आज की डेट में काम करते हैं, तो अगर सभी लोग थोड़ा थोड़ा सा भी सहयोग कर देंगे, देखिए मंडलों का जो कंपटीशन की बात है परफॉर्मेंस की, हर मंडल में काम हो रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं, कहीं भी कोई व्यक्ति आज तक ये कहते हुए नहीं मिल सकता आपको कि मैंने पिछले वाले से ज़्यादा काम नहीं किया। हमेशा सभी लोग कहते हैं, अंतर केवल इतना ही होता है
कि आपने एक लिमिट जो है, सीमा जो आपने बना रखी है, उसके बियॉन्ड आप कितना गए हैं। और यह तभी हो सकता है जब सारे कर्मचारियों में एक समर्पण भाव हो। मैं एक ही चीज़ जानता हूँ कि जैसे अभी आपको 8 घंटे काम करना है, ड्यूटी अगर 8 घंटे की है, वास्तव में देखा जाए 8 घंटे हम काम नहीं किया करते हैं, काम तो हमारा 4 घंटे का भी नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कई बार हम लोग जब 9 घंटे काम कर लेते हैं और 10 घंटे काम कर लेते हैं, कई बार 11 घंटे काम कर लेते हैं, उस समय आपका जो एफिशिएंसी लेवल है वो 10% या 20-15% नहीं बढ़ता है, उस समय एफिशिएंसी लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पता चला 30%, 40%, 50% बढ़ जाता है। इस बात को ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। जीवन में मेरा तो एक हमेशा सोच रही है, और मैं इस पर ऐसा नहीं है कि केवल मैं बोल रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि अगर आप काम करेंगे तो आपके साथी काम करेंगे, आपके अधीनस्थ लोग काम करेंगे। अगर आप सोचेंगे आप भाषण देंगे और दफ्तर करेंगे तो आप बाकी काम करेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको उसके लिए जरूरत है कि सबको साथ लेके चलिए, उनके बारे में सोचिए, उनको आप जो उनकी चाह है, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनके जो वेलफेयर के चीज़ें हैं, उनका भी ध्यान रखिए। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस मंडल में कम से कम एक अच्छी चीज़ यहाँ पे रही है आप लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मिस्टर वर्मा एंड वर्मा दोनों ही हैं आपके एसोसिएशन के लिए, ये हमेशा ही इस बात के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, किसी भी व्यक्ति के लिए हमारा ऑफिस खुला रहता है, कहीं वहाँ पर रेड बत्ती का कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई व्यक्ति कभी आता है तो हम लोग कभी भी उसको मना करते नहीं, वो बात अलग है, एक दो की किस्मत ऐसी हो सकती है गलत समय आने पर, लेकिन उसका भी हमने कभी बुरा नहीं किया है। आज ही मैं भी बोल रहा था, एक व्यक्ति को मैंने बहुत जोर से सुबह डांटा था क्योंकि वो बहुत गलत समय पे आए थे, लेकिन मैंने भी बोला है सीनियर डीपीओ साहब को, उनका कोई प्रमोशन का ऑर्डर है, उनको आना है, तो कल मिस्टर कमल चौधरी जी एक किसी व्यक्ति को उसमें एडजस्ट करके उनको रिलीज करवा दीजिए वहां से। तो ये एक बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर दोनों वर्मा जी सभी अधिक जो भी पदाधिकारीगण हैं वो और हमारे सभी भाई बहन जो भी यहाँ खड़े हुए हैं, बेसिकली कोई भी एसोसिएशन होती है तो सभी से बेसिक कॉन्सेप्ट ये रहता है कि कैसे हम लोगों का ध्यान रखें और लोग रेलवे का ध्यान रखें। तो यही हम लोगों की पहली ड्यूटी है कि हम आपका ध्यान रखें और आप रेलवे का ध्यान रखें। अगर हमारी पूरी कोशिश पहले ये रहती है, सभी ब्रांच ऑफिसर्स की और डीआरएम साहब की कोशिश रहती है कि जो वेलफेयर काम है, सबसे पहले हम इंसिस्ट करते हैं कि लोगों के प्रमोशन्स हों, लोगों की म्यूचुअल ट्रांसफर्स हों, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर्स हों, जितने मैक्सिमम पॉसिबल होते हैं। अगर आप पिछले साल का उठा के देखेंगे रिकॉर्ड, तो आपको मालूम पड़ेगा कि हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बना दिया है, हर डिपार्टमेंट ने बना दिया होगा, पूरा एक रिकॉर्ड बना दिया है प्रमोशन देने में और इन लाइन में। और अभी ये कंडीशन रहती है कि हम लोग वेट करते हैं, हम लोग ये वेट करते हैं कि कब उसके 2 साल पूरे हो और कब उसको प्रमोशन हो, अभी ये कंडीशन। तो जब भी वर्मा जी आते हैं वो कहने की जरूरत नहीं है, दोनों के दोनों आते हैं और अपना काम करवा के जाते हैं। इस मौके पर माइनॉरिटी मीडिया सेंटर से आरसी वर्मा ने खास बातचीत की, जो पेशे खिदमत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे, एसोसिएशन का जो 60 साल का सफर रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले 1959 के अंदर सम्माननीय बीआर ग्यारह साहब ने इस एसोसिएशन का गठन किया था, उसमें 7 पदाधिकारी थे और ग्यारह साहब पंजाब के जालंधर के रहने वाले थे। जिस टाइम पे गेरा साहब ने इस संस्था को बनाया, उसका मुख्य कारण ये था कि जो रेलवे के अंदर 2 ट्रेड यूनियन को जो मान्यता दी गई थी, वो दोनों ट्रेड यूनियन रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करती थी, SC ST का जो शॉर्टफॉल था उसके बारे में कोई बात नहीं करती थी, SC ST का जो रिजर्वेशन था उसके बारे में कोई बात नहीं करती थी, क्योंकि भारतीय संविधान जब 1950 में जब लागू हुआ, उसके अंदर SC और ST के लोगों को कहीं फैसिलिटी दी, उस फैसिलिटी के तहत रेलवे में भी रिक्रूटमेंट बढ़ा और रिक्रूटमेंट की वजह से जो रिजर्वेशन दिया गया उसकी वजह से रेलवे के अंदर SC और ST के वर्ग के लोग आना चालू हुआ। और जो जो SC और ST के लोग रेलवे में आए, कुछ दिनों के बाद समस्याएं बढ़ती गई,
हमारी जो पोस्टें थी उसको डी रिजर्व करके अन्य जनरल कैंडिडेट को पोस्टिंग उसमें दिया करते थे, और एक मैसेज था कि SC ST कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल, SC ST कैंडिडेट योग्य न होने के कारण इस पद को अन्य समुदाय से भरा जाता है। ये इस तरह की रेलवे बोर्ड की पॉलिसी थी, इसके खिलाफ हमारा एसोसिएशन ने लड़ाई लड़ी। जब ये एसोसिएशन गेरा साहब ने गठित करी उस टाइम पे इसको कोई फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन एक एसोसिएशन रेलवे के अंदर काम कर रही थी। उस सफर को लेकर के आज का जो 60 साल का जो सफर रेलवे के अंदर है, उस मायने में देखें और आज के युग में देखें तो SC ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन को बहुत सारी फैसिलिटीज दी है। एक वाक्य आपको बताएं कि SC ST रेल कर्मचारियों को जो ये एसोसिएशन बनाने का जो अधिकार था, ये जो एसोसिएशन बनाई, इस एसोसिएशन में जो फर्नीचर दिया जाता था रेलवे ओल्ड फर्नीचर जो अन्य डिपार्टमेंट के द्वारा यूज किया जाता था, और वो DS-8 जब करता था, जब उस डिपार्टमेंट के लिए अनयूज्ड वो फर्नीचर हुआ करता था, उस फर्नीचर को इस एसोसिएशन को इशू करा करते थे। जब हमारे ऑल इंडिया SC ST रेल एम्प्लॉय एसोसिएशन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऑफिस नई दिल्ली के अंदर उसका जब उद्घाटन होने के लिए हमारे मुख्य अतिथि माननीय रेल राज्य मंत्री नारायण भाई राठवा जी और रेल राज्य मंत्री आर वेल्यू साहब और CRB और GM नॉर्थन रेलवे जब वहाँ बैठे हुए थे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष DL बैरवा साहब के द्वारा जब ये स्वागत भाषण में ये बताया गया कि माननीय रेल राज्य मंत्री जी, आपने हमारे को नया ऑफिस दिया लेकिन फर्नीचर हमारे को आज भी पुराना जो DS-8 है, अन्य डिपार्टमेंटों के द्वारा जब वो अनयूज फर्नीचर हो जाता है उसको हमें दिया जा रहा है, और आज भी वही फर्नीचर हमारे को दिया गया है। माननीय रेल राज्य मंत्री जी दोनों ने CRB और रेल मंत्री जी से ये GM से ये कहा कि भाई ये किसके आदेश से दिया गया है, आदेश रेलवे के अंदर हम पारित करते हैं, इनको ओल्ड फर्नीचर क्यों दिया जा रहा है। माननीय वेल्यू साहब रेल राज्य मंत्री जी और नारायण भाई राठवा जी के द्वारा उस ऑफिस का उद्घाटन 1 घंटा लेट किया, और नया फर्नीचर जब तक नहीं आया उस दिन वहां तक उस ऑफिस का उद्घाटन नहीं किया। 1 घंटे के अंदर नया फर्नीचर आया, हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी को नया फर्नीचर मिला, और उसके बाद हमारे उस ऑफिस का नई दिल्ली में उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। उसके बाद आज भी रेलवे के अंदर नए फर्नीचर का उन्होंने आदेश जारी किया, आज रतलाम डिवीजन में भी जो ये फर्नीचर है उसी आदेश के तहत नया फर्नीचर मिला हुआ है। आज की तारीख में रेलवे के अंदर नाजरीन हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया नई दिल्ली, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।